अगर मैं आपको कहूं कि मैं इस शर्ट को 100 बार बेच सकता हूं लेकिन मेरे पास क्वांटिटी सिर्फ एक है, तो क्या आप ट्रस्ट करोगे? यह से बिल्कुल पॉसिबल है। देखो द पावर ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करके एप्लीकेशन के थ्रू आप कितना अर्न कर सकते हो, यू कांट इमेजिन। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वीडियो, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि देखो ज़रूरी नहीं होता है कि कोई किसी चीज़ को बेचने के लिए, कुछ अगर आप सेल करना चाहते हो तो आपके पास बहुत ह्यूज क्वांटिटी होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं होता है। डिजिटल प्रोडक्ट का ज़माना है दोस्तों, लोग कोर्सेज सेल करते हैं, लोग डिजिटल प्रोडक्ट लाइक डिजिटल पेंटिंग्स होती हैं, डिजिटल ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वीडियोस, फोटोज़, ये सारी चीज़, ये जो कंटेंट्स हैं ये डिजिटली सेल हो रहे हैं। देखो ये जो मेरा वीडियो है इसमें मैंने एक ही बार बताया है मेरी सर्विसेज के बारे में, पर ये बार बार मैं लोगों को दिखा के सेल कर रहा हूँ, ठीक है? ये भी काइंड ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट ही है, ठीक है? डिजिटल कंटेंट ही आपका डिजिटल प्रोडक्ट भी है। सो डिजिटल प्रोडक्ट का कितना फ़ायदा है ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, कितना आप अर्न कर सकते हो, क्योंकि ना अभी तक आप इस फील्ड में आए नहीं हो। देखो एप्लीकेशन बनवाना वो एक अलग पार्ट है, आज थोड़ा सा ये टॉपिक चेंज होगा लेकिन बीच में ऑब्वियसली एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, पर मैं आपको बताऊंगा डिजिटल प्रोडक्ट के कितने फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा, तो आपको मेहनत सिर्फ एक ही बार करनी पड़ती है। किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको पहले बजट बनाना पड़ता है, वो प्रोडक्ट लाना पड़ता है जहाँ से भी आप किसी भी होलसेलर से ला रहे हो, वो प्रोडक्ट लाना, स्टोर करना, लिस्टिंग करना, फिर सेल करना। पर यहाँ पे क्या है, आपको प्रोडक्ट लाने का टेंशन नहीं है, आपको प्रोडक्ट स्टोर करने का टेंशन नहीं है, ठीक है? जस्ट आपको अपना कंटेंट रेडी करना है, आप वो फोटो भी रेडी कर सकते हो, या आपके पास अगर स्किल्स हैं तो आप कोर्स रेडी कर सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग के कोर्स बता सकते हो, आप फोटोज़ वगैरह अगर बहुत अच्छा बनाते हो तो UI सेल कर सकते हो, आपको कोडिंग आती है तो आप कोड्स बेच सकते हो। कोड्स जो सोर्स कोड रहता है ना, वो सोर्स कोड भी काइंड ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट ही है, एक बार ही बनाया जाता है। देखो आप जब कोड कह रहे हैं या फिर थीम फॉरेस्ट वगैरह पे जब आप जाते होंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सुंदर सुंदर थीम्स देखने को मिलते होंगे और बहुत सस्ते रेट में। मान लीजिए ग्रोसरी का एप्लीकेशन है, वो अगर आपको 2 से 3 हज़ार में वो सोर्स कोड मिल रहा है तो सही मायने में वो 2 से 3 हज़ार का नहीं है। एक्चुअल में मुझे पता है कि ग्रोसरी एप्लीकेशन को कम्प्लीटली उसका एक सोर्स कोड रेडी करने में 2 से 3 महीने का समय लगता है। 2 महीने अगर पकड़ के चलो, 3 डेवलपर की सैलरी भी काउंट की जाए तो अराउंड 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है ग्रोसरी का एप्लीकेशन, और वहाँ पे वो 3 हज़ार में आपको मिल रहा है थीम फॉरेस्ट में। ऐसा क्यों होता है, वो क्यों इतने लो कॉस्ट में बेच रहे हैं? क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि आपको ना 1 लाख का अगर सामान बेचना हो ना तो बहुत कम लोग लेंगे, लेकिन 100 रुपये का अगर कुछ प्रोडक्ट बेचना हो ना तो 1 लाख लोग लेने के मतलब सक्षम रहते हैं, क्योंकि 100 रुपये आपको ऊपर की जेब से देने हैं, पीछे की जेब से नहीं निकालना है, चेकबुक या फिर अपना फ़ोन निकाल के पे नहीं करना है, ठीक है? तो इसीलिए 100 रुपये ज़्यादा मतलब कम प्राइस में प्रोडक्ट को बेचना पॉसिबल होता है, और वही ज़्यादा प्राइस में पॉसिबल नहीं होता, मतलब बहुत कम आपको मिल पाते हैं क्लाइंट्स वगैरह। तो क्लाइंट्स ही नहीं, जो भी आपके यूज, जो भी आप बेच रहे हो आपके पास कस्टमर्स कम आएंगे। तो यही चीज़ होता है थीम फॉरेस्ट पे और भी बहुत जगह पे, जो आप प्रोडक्ट देख रहे होते हो ना, जो टेम्पलेट्स रहते हैं जो वहाँ पे आपको 2000-3000 मिलता है, वो एक्चुअल में सिर्फ आपको नहीं बेच रहे हैं, वो बहुत लोगों को बेच रहे हैं सेम चीज़ें, वो उनका एक डिजिटल प्रोडक्ट है वो, ठीक है? तो ये फ़ायदा होता है एक्चुअल में, ये आप कह लो डिजिटल प्रोडक्ट का डिजिटल पावर है ये। इवन हम भी सेम चीज़ें करते हैं, हमारे पास अगर हम कोई पहले, हम लोग भी एक्चुअल पहले मार्केट में रिसर्च करते हैं कि कौन से नेक्स्ट, कौन से एप्लीकेशन की डिमांड बढ़ने वाली है, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। सो उस चीज़ का पहले हम लोग टेम्पलेट थीम डिज़ाइन करते हैं एक लगभग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि ज़्यादातर यही रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्योंकि अगर वो एप्लीकेशन है तो उसमें यही ज़्यादा होने वाला है, तो उस चीज़ के हिसाब से हम टेम्पलेट थीम डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद में हम लोग उसको, मतलब मैं YouTube पे प्रमोट करूँ या कहीं भी प्रमोट करके उसको सेल करूँ, मैं 10 लोगों को भी बेच सकता हूँ, मेरे पास वो कंप्लीट है डिजिटल प्रोडक्ट, मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे पास क्वांटिटी में हज़ारों नहीं, मैं लाखों को बेच सकता हूँ, लाखों नहीं मैं करोड़ों को बेच सकता हूँ, ठीक है? तो ये होता है डिजिटल प्रोडक्ट का पावर। और आपको भी सेम चीज़, देखो अर्निंग करने के बहुत सारे वे होते हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ मेरा एक्चुअल में बिजनेस है तो मैं भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, आप भी इस चीज़ को एप्लीकेशन के जरिए सेल कर सकते हैं। मैं YouTube के जरिए सेल कर रहा हूँ, मैं एप्लीकेशन के जरिए, वेबसाइट के जरिए भी मैं सेल करता हूँ, है मेरे पास एक ही डिजिटल प्रोडक्ट, आप मेरे से पर्सनली मिलने नहीं आते हो। तो ये पावर होती है एक्चुअल में डिजिटल प्रोडक्ट की। तो आपको आपको क्या करना है, एक्चुअल में मैं ये वीडियो मोटिवेशनल के लिए आपको बना रहा हूँ, ताकि आप लोग भी डिजिटल प्रोडक्ट के पावर को समझे, कोर्सेज, थीम्स, सोर्स कोड या फिर डिजिटल प्रोडक्ट के मतलब बहुत कुछ है इसमें, आप अपने हिसाब से चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोर्स और सोर्स कोड ही होगा।
कोर्स वगैरह क्रिएट करना, सोर्स कोड, ये अलग पार्ट है। आपके पास जो स्किल है ना, वो भी डिजिटल प्रोडक्ट की, मतलब एक डिजिटल प्रोडक्ट रेडी करो अपना, डिजिटल फॉर्म में आप उसको सेल करो। बहुत इजी है चीज़ें। आपको जस्ट करना क्या है, जस्ट आपको एक लैंडिंग पेज बनाना है, आपको एक वेबसाइट बनानी है। अगर आप नहीं जानते हैं, आप किसी भी डेवलपर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आप एप्लीकेशन के जरिए भी सेल कर सकते हो। एप्लीकेशन के जरिए सेल करने का फायदा ये होता है कि वो कस्टमर को आप बार बार पिच कर सकते हो, कस्टमर का डेटा आपके हाथ में रहता है, उनका सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। तो चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके, उनको मेल करके, नोटिफिकेशन सेंड करके, ऑफर सेंड करके आप सेल कर सकते हो, इसीलिए ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं एप्लीकेशन को। तो ये पावर होती है डिजिटल प्रोडक्ट और एक एप्लीकेशन की भी, कि एप्लीकेशन के जरिए आप ज्यादा सेल कर पाते हो। लैंडिंग पेज के जरिए जानते हो क्या होता है, आप प्रमोशन कर लोगे, आपके पास यूजर्स भी आ जाएंगे, लेकिन 100% मान लीजिए 100 यूजर आए, 100 यूजर में से सिर्फ 10 यूजर बाय करेंगे, लेकिन वो 90 यूजर का क्या, जिन्होंने डेटा तो सबमिट किया पर खरीद नहीं पाए वो। तो वो डेटा जो आपके पास आया है ना, उनको आप एप्लीकेशन के जरिए बहुत कुछ उनका यूज कर सकते हो, वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में एक्चुअल में मैं आपको समझाना चाहता था, उसकी पावर के बारे में आपको समझाना चाहता था, जिसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया था। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा जो इससे रिलेटेड नॉलेज लेने में इच्छुक रहते हैं।